प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस हुआ है कि भूटान के किंग की वहां पे विजिट हो रहा है, और गो के इस रीजन का भूटान है, हमारी तरफ जो है वो उस तरफ से कोई ऐसे विजिट्स हमें देखने को मिलते नहीं है, लेकिन उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात उनसे, खास तौर पर इसको इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि चाइना की जो स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीजें आती रहती हैं, जो उसका स्टैंड है, उसकी सिग्निफिकेंस भी इसमें मौजूद है। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे मैं पहले तो हमारे देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि ये रीसेंट भूटान के साथ इशू क्या है। दोखलम एरिया, जहां पे आपको याद होगा कि पहले स्टैंड ऑफ हुआ भारत का और चाइना का, और वहां पे उस एरिया को कहा जाता था चिकन नेक, क्योंकि वहां इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे चाइना इंटरेस्ट ले रहा था कि वहां पे अपनी कोई ऐसी चीजें मिलिटेरिली इंटेलिजेंस वाइज अपनी प्रेजेंस चाहता था जहां से दे वांटेड टू कीप द मूवमेंट ऑफ इंडियन ट्रूप्स। तो उसके ऊपर आपने आपने देखा होगा कि एक स्टैंड ऑफ हुआ था दोखलाम के अंदर, और उसके बाद आज उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना इस वक्त दे आर फ्लेक्सिंग दे मसल नॉट ओनली इन भूटान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल परसों न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर एक यहाँ पे एक आर्टिकल था, मैंने उसको ट्वीट भी किया है कि हाउ चाइना इज बाइंग द वर्ल्ड इस वक्त। हमारे, मैं अमेरिका की छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, क्योंकि जब वो दे आर गोइंग आफ्टर ताइवान, ताइवान को कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी, किस तरीके से चाइना ने उनके साथ डीलें बनाकर, ट्रेड डीलें, पैसा देकर आगे पीछे, वो 14-15 जो कंट्री थी वो ऑलमोस्ट दे हैव विथड्रॉन देयर सपोर्ट टुवर्ड्स ताइवान। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने भूटान को, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन, आज से हफ्ता 10 दिन पहले, उन चाइना की फेवर में एक स्टेटमेंट डाल दी थी, जिसको बहुत बहुत तशवीश के साथ भारत ने उसको देखा, इंडिया में उसको थ्रेट ऑलमोस्ट ली गई। तो उन्होंने जब उसको प्रोटेस्ट किया, वो सारी चीजें, यहां पे ये बताना बहुत जरूरी होगा कि भूटान के जो सदर आज भूटान के अंदर हैं, ये जो उनका ट्रिप था, इट वॉज प्री प्लैंड, इट वॉज प्लैंड वे अर्लियर। इससे पहले जो लास्ट टाइम भूटान के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, तो वो पहले किसी एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, एक दिन के लिए रुके थे, वो मिले थे मोदी साहब से भी। इस दफा जो वो आए हैं, तो उनकी भी इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, और उन्होंने आके वो जो एक सिचुएशन थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, और उन्होंने कहा है कि नथिंग हैज चेंज्ड इन बिटवीन इंडिया एंड भूटान और चाइना, वी आर थ्री, दिस इज नॉट ओनली भूटान हु कैन डिसाइड अबाउट दैट एरिया, वी आर थ्री पार्टीज, इसमें चाइना, भारत और भूटान तीनों मिलकर इस चीज का डिसीजन लेंगे उस एरिया के अंदर के वहां पे क्या होगा। ये दिस इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज ट्रिप। लेकिन इसमें मैं ये साथ ये बताना चाहूंगा आपको, लास्ट जो नई चीजें जो भारत के हवाले से आ रही हैं, जिसपे आप अपॉर्चुनिटी मुसलसल मिस कर रहे हैं, बिकॉज आप मिस इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पाकिस्तान में आए से नहीं है, 76 साल से ही आपके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन आजकल आप यू आर लीडरलेस और यू आर हेडलेस, यू आर फ्यूचरलेस, मेनी थिंग्स इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। लेकिन जो रिसेंट भारत के हवाले से हुआ है, G20 लीडरशिप, MCO लीडरशिप, और उसके बाद उस वक्त आजकल जो नई खबर आ रही है कि नेटो हैज ऑफर्ड देम द मेंबरशिप ऑफ नेटो, और उसके बाद जो उनका मुसलसल मूविंग towards the having a permanent seat at the Security Council, ये भी उनका हिस्सा है, the way they are utilizing an opportunity, especially America-China revolt, China-America confrontation है, इसका फायदा उठाने की भरपूर भारत कोशिश कर रहा है, there looks like they are successful in it, और उसमें मैं समझता हूँ कि भूटान का देखें, फौरन आके चाहे उनका प्री प्लान था, लेकिन न्यूट्रलाइज किया उन्होंने फौरन उसको, उसके असर को जाहिल करने की कोशिश की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।